हमेशा की तरह एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में 15 नवंबर को महिलाओं एवं निःसंतान दंपतियों के लिए पहल जानी विमेन्स हॉस्पिटल एवं टेस्ट बेबी सेंटर द्वारा निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में एसआर हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा भी अपनी सेवाएं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बीते 1 नवंबर से एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा विभिन्न बीमारियों की जांच और उपचार में विशेष छूट प्रदान की जा रही है, जिसका लाभ सैकड़ों मरीजों द्वारा उठाया जा चुका है। शिविर 15 नवंबर तक जारी रहेगा। 15 नवंबर को अस्पताल प्रबंधन द्वारा महिलाओं के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन पहला जानी विमेन्स हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के सौजन्य से अस्पताल परिसर में आयोजित किया जा रहा है। महिलाओं एवं निसंतान दंपतियों के लिए शिविर बेहद कारगर साबित होगा, जिसका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। शिविर की जानकारी IVF फर्टिलिटी अहमदाबाद से ट्रेनिंग प्राप्त डॉक्टर नमिता चंद्र वर्मा और एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर विजय गावंडे ने दी। नमस्कार, मैं विजय गावंडे, नर्सिंग इंचार्ज एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। आप सबों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि पिछले 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे अस्पताल में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके तहत बहुत से लोगों ने इसका लाभ उठाया, अपना इलाज करवाया और वे लाभान्वित हुए। इसके समापन के दिन 15 तारीख को हमारे यहाँ पहला जानी हॉस्पिटल और टेस्ट ट्यूब सेंटर भिलाई के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जो भी निसंतान दंपत्ति है वे इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। ये सभी सुविधाएं निःशुल्क रखी गई है, इसलिए मैं भिलाई दुर्ग की जनता से अपील करता हूं कि आप आएं और जो भी निसंतान दंपत्ति है आकर इस सुविधा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा है। मैंने अहमदाबाद से ट्रेनिंग ली है IVF एंड इनफर्टिलिटी में। मैं अभी पहला जानी IVF में पोस्टेड हूँ एज अ कंसल्टेंट इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हम अवेयरनेस एक प्रोग्राम रख रहे हैं, जिसमें जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या उससे भी रिलेटेड जो भी परेशानियाँ हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे SR हॉस्पिटल में 15 तारीख को एक कैंप जैसा रख रहे हैं। इसमें सारी फैसिलिटीज़ होगी जो भी महिलाओं को यूज़फुल होगी, जिस भी तरीके से उनको परेशानियाँ हों, जैसे कि जिनको कई साल हो गए हैं जो बच्चे नहीं हो रहे हैं, या कुछ भी गायनिक परेशानियाँ भी जिसको होंगी उसके लिए हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर ही डॉक्टर उनकी परेशानियों को प्रॉपरली समझ सकते हैं, जो एफिलिएटेड हैं, जिनको नॉलेज है, प्लीज़ उनके पास ही जाइए। मेरे पास ही ज़रूरी नहीं है, बट जिनके पास नॉलेज है उनके पास ही जाकर ट्रीटमेंट लीजिए। IVF एक थोड़ा सा समझने वाला प्रोसीजर है। IVF क्या होता है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है बॉडी में, वो हम कोशिश करते हैं कि बाहर लेबोरेटरी में हो जाए। जो नेचुरल तरीके से चीज़ नहीं हो पा रही है वो चीज़ हम लेबोरेटरी में करते हैं, जैसे कि अंडे बनाना, अंडे बना करके उसको पिक करना, पिक करके लेबोरेटरी में उसको प्रोसेस करना, देन फिर जो मेल का फैक्टर होता है सीमन, जो स्पर्म्स होते हैं उनको प्रोसेस करना। इससे क्या होता है, क्वालिटी वाइज एकदम प्रॉपर एम्ब्रियोज बनते हैं। वो एम्ब्रियोज हम आर्टिफिशियल तरीके से महिला के शरीर में डालते हैं। जो नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा है वो चीज़ हम बाहर से करते हैं, जो लेबोरेटरी में करते हैं, इसको IVF बोलते हैं। IUI को भी कई लोग समझते हैं कि IVF है, बट IUI नॉर्मल प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, हम सीमन को डायरेक्टली महिला के शरीर में डालते हैं। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता जिसमें हम ओवा पिक कर रहे हों या बाहर प्रोसेस कर रहे हों। बहुत सारी महिलाएं अभी तक तो 15,000 से ऊपर 40,000 से ऊपर महिलाओं को हम प्रेगनेंसी दे चुके हैं IVF प्लस IUI। बहरहाल महिलाओं से संबंधित विभिन्न बीमारियों और निसंतान दंपतियों के लिए शिविर बेहद कारगर साबित होगा। कम खर्च में अच्छे इलाज के मद्देनजर अस्पताल प्रबंधन द्वारा समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिससे सैकड़ों मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यही वजह है कि दुर्ग जिले के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी लोग इलाज कराने SR हॉस्पिटल चिखली पहुंचते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।